नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदा त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्टडी ऑफ एजुकेशन चैनल में स्वागत करती हूँ। साथ ही दोस्तों, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारा देश आज 75 साल पूर्ण करता हुआ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और जो भावनाएं, जो प्रेरणाएं इसके पीछे हैं, वो आपके सामने वंदे मातरम गीत की कुछ पंक्तियों के रूप में लिखी हुई हैं। दोस्तों, ये पंक्तियाँ हमेशा ही मुझे प्रेरित करती हैं, और प्रेरणा का एक स्रोत ये भी है कि वंदे मातरम गीत की पहली चार पंक्तियों से ही मेरा नाम आता है। सो ये सोचकर कि इतने महान गीत से मेरा नाम मेरे माता पिता ने रखा है, सो कुछ तो अच्छा मुझे भी अपने जीवन में करना चाहिए। इसी प्रेरणा को साथ में रखते हुए दोस्तों, पिछले 4 सालों से हम लोग इस चैनल पर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए, एक शिक्षक को अच्छे से अच्छा ज्ञान देने के लिए, एक शिक्षक कैसे और अच्छा शिक्षक बन सकता है, वो नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हम लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और इसी प्रेरणा को साथ में रखते हुए वो सभी बच्चे, जो वो सभी एस्पिरेंट जो मुझे लगातार ये मैसेज या ईमेल करते हैं कि हमें शिक्षा शास्त्र के नोट्स की ज़रूरत है, तो दोस्तों, अथक प्रयास के बाद, लगातार मेहनत के बाद, आज हम इस स्थिति में आए हैं कि हम अपने खुद के शिक्षा शास्त्र के नोट्स बना करके तैयार हैं। ये बहुत खास नोट्स हैं। क्यों? क्योंकि इन नोट्स में जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो फ्लो चार्ट्स और टेबल्स के फॉर्म में है, ताकि आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके। हिंदी इंग्लिश दोनों में इन्हें तैयार किया गया है, जिसने बहुत बहुत मेहनत ली है हमसे। 300+ पेजेस के ये जो नोट्स हैं दोस्तों, ये आपकी शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हर एक एग्जाम में आपको काम में आएंगे, राइट? अगर मैं आपसे बात करूं कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इसमें जो एमसीक्यूज हैं यूनिट वाइज, क्या वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे? जी हाँ, बिल्कुल दोनों में होंगे। बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल रिसर्च्ड जो है, हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। साथ ही आपको ये बता दूं, ये जो यूनिट वाइज एमसीक्यू है, ये 1300 पेजेस, ये अलग है, ये अलग है, राइट? सो हर एक यूनिट के, पूरी 10 यूनिट है, हर एक यूनिट के बाद आपको उस यूनिट के एमसीक्यूज मिलेंगे इन नोट्स में। और साथ ही उसके बाद जो सॉल्ड पेपर है 2004 से लेके 2021 तक के, उसका पीडीएफ भी आपको इसमें मिलेगा। सो अराउंड, अगर आप इसे कैलकुलेट करें, हर एक ईयर में अगर 2 बार पेपर होते हैं और आप 150 क्वेश्चन लेकर के चलें, सो हर एक साल अगर आपको 300 क्वेश्चन मिलते हैं शिक्षा शास्त्र के नेट की एग्जाम में, सो आप मान के चलें कि ये हो गए आपके, अगर हम 10 2014 तक ही लेकर के चले, 2014 20, अगर आप 19 17 साल के ले लें एग्जाम्स, राइट? तो 3 7 21 की एक हाथ के लगे, 2 3 1 3 और 1 5, कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 5100 क्वेश्चन सिर्फ आपको एमसीक्यू जो सॉल्व पेपर है उसमें मिल रहे हैं, राइट? इसके अलावा हर एक यूनिट के हमने 100+ क्वेश्चन लिए हुए हैं, और ये आने वाले समय में और भी आगे बढ़ेंगे, इनके नंबर्स बढ़ेंगे। जैसे कि जो हमारे प्रीवियस नोट्स थे, उनको हमने और रिफाइन किया। अच्छा, साथ ही ये भी बता दूं, जो पहले से कोर्स में इनरोल्ड हैं शिक्षा शास्त्र के, उनके नोट्स भी चेंज होंगे। सो आपको ये जो अपडेटेड नोट्स हैं, राइट, ये बहुत जल्द आपके पोर्टल में चेंज हो जाएंगे। सो वो आप बेफिक्र रहे हैं, जिन लोगों ने पहले से कोर्स लिया हुआ है, ओके?
अब अगर इन नोट्स की बात करें, सो दोस्तों जैसे ही इस नोट्स को आप एक्सेस लेते हैं, सो ये आपको ऐप में भी मिलेंगे जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आपकी ईमेल आईडी पर भी ये भेज दिए जाएंगे। सो आपको उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है कि कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ऐप में भी आपको पूरा एक्सेस मिलेगा और आपकी ईमेल आईडी पर भी ये भेजे जाएंगे। सो आशा करती हूँ कि आने वाले समय में एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वो सभी कुछ आपको स्टडी ऑफ एजुकेशन चैनल पर मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ और आपके दी हुई हिम्मत और प्रेरणा के साथ जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय एंड वंदे मातरम।